हेलो स्टूडेंट, अगर आप सीएस स्टूडेंट है, सीएस फाउंडेशन प्रोफेशनल एंड एक्सक्यूटिव, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आईसीएसआई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जो कि सीएस एग्जाम को लेके। अपडेट चेक करने के लिए आपको सिंपली स्टूडेंट आईसीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। आप किसी भी अपने क्रोम ब्राउजर या फिर किसी ब्राउजर में ICSI.com लिख के भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर होम वाले सेक्शन में आप जैसे जाते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक सेकेंड, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं स्टूडेंट तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन। सिंपली आपको लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है और ICSI द्वारा जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई सीएस स्टूडेंट के लिए वो ज़रूर आप देखें। सो सिंपली स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस ये PDF जो ICSI ने प्रोवाइड किया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये पूरा PDF में ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर ले और इस PDF का इन डीप में रीड कर सकते हैं कि सर ये क्या PDF है। आप देख सकते CS एक्सक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 21 दिसंबर टू 30 दिसंबर तक होने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि हर CS स्टूडेंट को देखना चाहिए, लाइक देख सकते थोड़ा एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। आपका एडमिट कार्ड ICSI के वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से फ्यू डेज पहले। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट, मैं इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था मेरा आपको ये पॉइंट नंबर 3 पे आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। प्लीज़ इस PDF को आप इन डीप में स्टडी और रीड कर लीजिए, बिकॉज ऑफ अभी आपका एग्ज़ाम आने में टाइम है। अगर आप अच्छे से रीड करते हैं इंस्ट्रक्शन तो आपके माइंड में दूसरा कोई क्वेरीज नहीं आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड कि सर एग्ज़ाम के टाइम आप फिर पर्सनल मैसेज करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आप एग्ज़ाम पे ध्यान देंगे या फिर वीडियो देखेंगे। सो इन डीप में स्टडी कर लेना। देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी कैरी विद देम, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। एडमिट कार्ड, आपको एग्ज़ाम से पहले अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। जैसे कि हर स्टूडेंट को पता रहता है कि एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी होता है, बट ये रिमाइंड कराना मेरा फ़र्ज है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर पॉइंट नंबर 2, इसमें स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली इशू ऑथोराइज बाई इंस्टीट्यूट टू द एग्जामिनेशन सेंटर एवरी डे इन इस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी एंड सिक्योरिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटायर एग्जामिनेशन हॉल। अब यहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट अलाउड टू कैरी फॉलोइंग एग्जामिनेशन हॉल, ये हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो कॉमन है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना ही है जो कि एक कॉमन बात है। फिर आप तो एक आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिए, आप अपना कोई भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी होता है आप ज़रूर कैरी कीजिए। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पॉइंट में दिया है स्पेशल परमिशन इफ़ एनी एज अकॉर्डिंग टू द बाय इंस्टीट्यूट टू PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, अगर आप डिसेबल है तो भी आपके लिए देख सकते हैं फेस मास्क। ये ICSI का एग्ज़ाम हो, CS का, CMA का एग्ज़ाम हो या फिर CA का एग्ज़ाम हो, ये कॉमन चीज़ है। मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था बट कुछ स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट किया कि सर अभी हमारा एग्ज़ाम आने में टाइम है, तो मैं फिर भी मनाया था बट एग्ज़ाम आने में टाइम है इसलिए मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले भी आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। आपको एक फेस मास्क ले जाना है, मैं जैसे कि हर वीडियो में बताया था हर स्टूडेंट को कि एक नहीं दो कैरी करना, बिकॉज इन चांस गिरना नहीं चाहिए बट इन चांस आपका मास्क घूम जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर 50 to 100 ml सैनिटाइजर ट्रांसफर्म बॉटल, देख सकते स्टूडेंट ICMI ने तो प्रोवाइड ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया था, 50 to 100 ml की सैनिटाइजर बॉटल ले जाना था, बट आपको यहाँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। मैं जानता हूँ स्टूडेंट 35 rupees या फिर 30 rupees की एक सैनिटाइजर की बॉटल आती है जो कि फुल ट्रांसपेरेंट होती है, आप उसको ज़रूर कैरी करें। फिर स्टेशनरी आइटम लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, ऑर्डिनरी नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर, सर ये क्या बोल रहे हैं आप, आपको पता है आपके एग्ज़ाम में पेन लेके जाना है, पेंसिल ले जाना है, इरेजर भी लेके जाएंगे आप, बट जो आपका कैलकुलेटर होगा नॉन साइंटिफिक होगा, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर, देख सकते हैं नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर। फिर स्पेसिफिकेशन स्केल आपको ले जाना है एंड अदर रिक्वायर्ड स्टेशनरी आइटम नेसेसरी फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन इन द ट्रांसपेरेंट पोच। स्टूडेंट आप जो कैरी करते हैं एग्जामिनेशन में उसको सब चीज़ आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइक आप जो पैड भी यूज करेंगे उस पैड को भी आप ट्रांसपेरेंट ही यूज करें,
लाइक देखते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ओवर ड्रिंकिंग वाटर विल बी अवॉइड एट एग्जामिनेशन सेंटर। फिर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड जो आपका होगा वो आप ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करें। फिर देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर राइट रिस्ट वॉच विच शुड नॉट बी एनी फीचर एक्सेप्ट। हाँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी इस मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न हो रही इंडिया, तो मॉडर्न वॉच भी आ रहा है जिसमें ऑटोमेटिक कॉल भी आने का सब सिस्टम होता है। और कॉल ऐसे भी वॉच होते हैं कि नो नीड कॉल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सब बताता है, तो आप अवॉइड कर रहे हो वो सब और सिंपली वॉच लेके जाए, सिंपल वॉच जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प कर सके। और नो अदर आइटम्स ऑल बी अलाउड टू बाई कैरी एग्जामिनेशन परमिशेस। स्टूडेंट ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा और बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट पार कर जाएगा, 10-15 मिनट। देख सकते हैं टोटल 26 पेजेस का PDF है, सॉरी 13 पेज का PDF है। तो आपको 13 पेज इन डीप में एक्सप्लेन करना ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ जितना हो सकेगा मेरे से डेली बेसिस पे आपको एक एक दो दो PDF में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि क्या दिया है, जो इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा आपको बताते जाऊँगा। बट अभी आप इस PDF को रीड करें, अगर बाद में आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सर ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या रिलेशन है। सो और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्टडी को प्राइमरी फोकस दें। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है कि सर पास कैसे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उससे भी रिलेटेड आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।